आराम से चलानी पड़ती है फ्यूल एवरेज के लिए। यार हेलमेट भाई, हेलमेट ऐसे नहीं यार। करना पड़ता है यार, ये म्यूजिक क्यों नहीं चल रहा है? रिमोट दिखाएं इसका, ये ब्लू पास जाके कलर कर इसका, पास जाके इधर इधर ऐसे चल गया तो इससे अच्छा बटन ही लगवा लेता ना, इससे अच्छा बटन ही लगवा लेता। टीम डिस्को भी चलती है इसमें। हां डिस्को कैसी है? मल्टी ये क्या चिंगी बना दिया इसको, ये भाई ये प्यारा है इसका, प्यारे लग रही है ये नीचे, यहाँ पे भी बल्ब है, वहाँ पे भी बल्ब है। नहीं वो स्ट्रिप लगी हुई है, ये स्ट्रिप लगी है, कितना बुरी ये स्ट्रिप लगी हुई है यार, लेकिन ये खराब हो जाए नहीं होती, उसमें साल की गारंटी हुई है। चलो थोड़ी छोटी कर लो, रोड छोटी कर लो, पिक चेक कर लो, ठीक है। बात करें तो भाईजन वाइबियर बेस वजन हल्का है ना, मेरा वजन ज्यादा। यार ये वजन वजन की बात ना करो, इंजन को नहीं पता होता, तुम लोगों के वजन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन विनर है जी इन दोनों बाइक्स में वाइबियर बेस वेरिएंट जो है वो विनर हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से इनमें से बेस वेरिएंट तो जीत गया है। ठीक है आप कह लो कि ड्राइवर की बात हो सकती है, लेकिन हमारी इस वीडियो में ये हार गई। अब ये चलाता है, मैं वो चलाता हूं। अब तुम छोड़ दो जो हो गई, अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ अगर अगर गुल की बाइक के साथ विनर का करते हैं हम तो कर लो रेस, ठीक है तुम दोनों ही चलाओगे, बात करते हैं, जो हार गई है यार वो हार गई है, जो चलो इसका कर लेंगे, लेकिन पहले विनर के साथ करते हैं CB 150 का। कौन चलाएगा? चलो मैं सीधी चलाता हूं। चला जाओ CB 150 जो अभी 100 पे नहीं जा रही थी, 0 to 100 नहीं कह रहा, मीटर खराब है मेरी, 100 पे थी आपकी 80 पे थी, ठीक है, लेकिन ये बात है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं खुद चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता 100 पे गई नहीं, मैं तेरे साथ ही समय देख रहा था तेरे मीटर, तू मेरे पीछे इतना बड़ा आया था मेरा। बहरहाल इस टाइम पे इन दोनों में से विनर तो CB 150 है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम CB 150 को इसके साथ चेक कर लें जी के साथ, चलो ठीक है। यार पावर का फर्क अपनी जगह है, लेकिन मैंने ड्राइवर का भी मैटर करता है यार गुल, ड्राइवर मैटर करता है, पावर का भी फर्क है। एक टाइम भी इस बाइक को मैं 125 ने हराया हुआ तुझे याद है ना, अगर इनमें बता दिया जाए इनका डिफरेंस, तो हमने अपने पिछले व्लॉग में बता दिया है यार, इसका क्या मेजर डिफरेंस है सवाए इसके इंजन के, ये 150 है और ये 125 है, बॉडी वेट इसका ज्यादा है या कम है? इसका ज्यादा है,
यानी डिफरेंट करती है, इसकी पिक ज्यादा है और इसके शॉक्स भी अच्छे हैं। नहीं लेकिन फिर भी उसके पहले दो गियर बहुत। यार होंडा की 125 है, होंडा की 150 है। यार वैसे एक बात मुझे सिर्फ एक ही फर्क है जो मुझे लगता है, अगर तो एक तो थोड़ा सा इसका कम्फर्ट ज्यादा है, इसका कंफर्ट ज्यादा है। अगर आप इसके फीचर्स में देखें तो सिर्फ ये फ्लैशर लाइट है बस, और कुछ भी नहीं है। ऑन करना दोबारा, ये एक फ्लैशर लाइट है बस, बाकी सारा कुछ वही है, सब कुछ वही है। लेकिन प्राइस डिफरेंस है, ये कितने की आ रही है इस टाइम? नहीं होंडा एक नाम चल रहा है, ये कितने की नहीं आ रही है कुल? ये 494 की है और ये 485। ये 485 की है, ये 496 की है। जी और ESG में 10,000 का फर्क है इन दोनों में। इन दोनों में तो अगर अगर इन दोनों में 10,000 का फर्क है तो फिर ये क्यों नहीं लेते लोग, वो क्यों ले रहे हैं? यार 10,000 में आपका वन, आपको 25 cc वहाँ आपको 150 मिल रही है, तो वो 125 लेने की क्या जरूरत है यार? हर किसी की अपनी मर्जी है। सबको काट देना था, इनको सबको काट देना था। ये व्लॉग हम दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, जो विनर है वो ये है। अब इसका मेरे ख्याल से 125 से कोई मुकाबला नहीं रहा, अगला मुकाबला होगा CB 150 वर्सेस 125 गोल, क्या कहता है? वो नहीं यार चेक कर लेंगे, लेकिन जो विनर है आज की हमारी पूरी वीडियो और पूरे व्लॉग में विनर है जी CB 150, जो कि सबको पता था शायद कि ये 150 है, इसलिए कह रहा तू क्या कह रहा तू आपके 125 को ही काट देगा, ये काट देगा 125 को। तो नहीं है मेरे पेज पे 125, मैं शायद आपको 125 100 पे लेके गया था। 125 लवर्स मेरे यूट्यूब पे ज्यादा है, तो अगला व्लॉग जो है हम बनाएंगे CB 150 वर्सेस 125 का, इसका भी कंपैरिजन। नहीं रेस का कंपैरिजन आप कर सकते हो यार, वो आप ओपन एरिया में नहीं इसको पकड़ सकते। इसको 125 cc की कैटेगरी में ओपन एरिया में नहीं पकड़ सकते, राष्ट्रपति में। हाँ पिक में देखा जाए तो शायद जो है वो हो जाए, पिक में इसका 0-80 को अल्टो आराम से चलानी पड़ती फ्यूल एवरेज के लिए। यार हेलमेट भाई, हेलमेट ऐसे नहीं यार, तुम बड़ा अच्छा पैगाम देते हो, मैं जैसे कपड़ा पहन। तो आज जो हमने आपको कब से कहा हुआ था, तो पहली तो बात यह है कि आप लोग अभी कहेंगे जी हेलमेट नहीं था, हेलमेट पे मैंने तो पहली बात है मैंने तो रेस की ही नहीं, और जहाँ हमने रेस किया वो बिल्कुल कंट्रोल्ड जगह थी, यहाँ पे कोई भी यानी कि किसी की क्रॉसिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो सबसे पहले हमने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देखा जहाँ पे हमने ये वीडियो बनाई है, वीडियो रिकॉर्ड की है। इस वीडियो में ये ज़रूर है कि हेलमेट यूज़ नहीं है, हेलमेट यूज़ करें। तो जिस तरह से आपके साथ कमिटमेंट की थी हमने ड्रैग रेस करेंगे इन तीनों बाइक्स की, जिसमें आपको पता है कि CB 150 जीत गई है, तो लोग हम बनाएंगे CB 150 वर्सेस CG 125 ड्रैग रेस, कौन जीतेगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं। और बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमने ये वीडियो बनाई है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।